हेलो दोस्तों, गो फैशन के आईपीओ में जिन जिन लोगों को अलॉटमेंट मिला है तो उन लोगों को लिस्टिंग डे वाले दिन क्या स्ट्रेटेजी अपनानी चाहिए, मतलब उनको लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करना चाहिए या लिस्टिंग गेन्स लेकर एग्जिट हो जाना चाहिए। तो हमारी स्ट्रेटेजी लिस्टिंग वाले दिन क्या होनी चाहिए, तो इस वीडियो के अंदर हम सबसे पहले बात करेंगे कि इसकी लिस्टिंग डेट कब है और शेयर जो है हमारे डीमैट अकाउंट के अंदर कब आएंगे, और फिर दोस्तों बात करेंगे कि इसका ग्रे मार्केट का प्रीमियम कितना चल रहा है, जिससे क्या है कि हमें पता चल पाएगा कि इस पर लगभग हमें कितना लिस्टिंग गेन्स मिल सकता है, और फिर दोस्तों बात करेंगे कि लिस्टिंग डे वाले दिन हमें क्या स्ट्रेटेजी अपनानी चाहिए। तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं कि इसकी लिस्टिंग डेट कब है। तो दोस्तों इसकी जो लिस्टिंग डेट है वो है 30 नवंबर को, मतलब 30 नवंबर को ये शेयर मार्केट के अंदर लिस्ट हो जाएगा। 9 बजे मार्केट खुलता है तो 10 बजे आसपास इसकी हम ट्रेडिंग कर सकते हैं, मतलब बाइंग और सेलिंग 10 बजे कर सकते हैं, तो उससे एक घंटा पहले मेरा वीडियो आ जाएगा। और दोस्तों जो शेयर है हमारे डीमेट अकाउंट के अंदर आएंगे 29 तारीख को, मतलब 29 नवंबर को हमारे शेयर जो है डीमेट अकाउंट के अंदर आ जाएंगे। अगर रात को नहीं आते तो सुबह तक सबको आपके डीमेट अकाउंट के अंदर मिल जाएंगे। तो दोस्तों ये तो हुई बात लिस्टिंग डेट की। अब दोस्तों बात करते हैं इसका आज की तारीख में ग्रे मार्केट का प्रीमियम कितना चल रहा है। तो दोस्तों इसका जो ग्रे मार्केट का प्रीमियम काफी टाइम से लगातार अच्छा बरकरार है, मतलब मेंटेन है इसका ग्रे मार्केट का प्रीमियम। तो आज की तारीख में अगर बात करें तो उसका जो ग्रे मार्केट का प्रीमियम चल रहा है 520 रुपए पर शेयर, मतलब एक शेयर पर हमें 520 रुपए फायदा बता रहा है। तो दोस्तों ये 21 शेयर का लॉट है, तो 520 इंटू 21 करते हैं तो लगभग 10,920 रुपए हमें एक लॉट पर आज की तारीख में फायदा बता रहा है, जो कि देखा जाए तो बहुत ही जबरदस्त है। और दोस्तों अभी काफी दिनों से मार्केट डाउन चल रहा है, तो हो सकता है इसकी लिस्टिंग पर भी थोड़ा बहुत इफेक्ट हमें देखने को मिले, पर दोस्तों मुझे लगता है ज्यादा इफेक्ट हमें देखने को नहीं मिलेगा। और फिर दोस्तों अगर हमें इतना लिस्टिंग गेन्स मिलता है तो हमारी लिस्टिंग डे वाले दिन स्ट्रेटेजी क्या रहनी चाहिए। तो दोस्तों उससे पहले मैं थोड़ा बहुत आपको कंपनी के बारे में बता देता हूं। तो दोस्तों ये लार्जेस्ट बॉटम वेयर ब्रांड है इंडिया के अंदर, तो इंडिया के अंदर जितने भी बॉटम वेयर वगैरह बिकते हैं तो उसके अंदर जो इसकी हिस्सेदारी है लगभग 8.3% की, मतलब काफी अच्छी हिस्सेदारी है। और दोस्तों जिस सेगमेंट के अंदर काम करता है, मतलब बॉटम वेयर सेगमेंट के अंदर काम करता है, ये बहुत ही यूनिक सेगमेंट है। और दोस्तों जो ये अपने बॉटम वेयर बेचता है गो कलर्स नाम से। और दोस्तों फ्यूचर की बात करें तो वुमन बॉटम वेयर का जो मार्केट है ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि 24.3% के CAGR से बढ़ेगा 2025 तक, मतलब जो वुमन बॉटम वेयर का मार्केट की ग्रोथ 2025 तक काफी अच्छी होने वाली है। दोस्तों डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इस कंपनी को फायदा होने ही वाला है। दोस्तों ध्यान में रखने जैसी एक और बात है कि कोविड के कारण इसके फाइनेंशियल पर काफी असर पड़ा है। ये कंपनी 2020 तक प्रॉफिट के अंदर थी, पर फाइनेंशियल ईयर 2021 के अंदर ये कंपनी लॉस मेकिंग हो गई, पर इसका लॉस देखा जाए तो काफी कम है। 2021 का कंपेयर करें तो 3.5 करोड़ के लॉस के अंदर ही है, और अभी 6 महीनों की और बात करें तो अभी भी कंपनी लॉस के अंदर है। तो अगर दोस्तों हमें इस कंपनी के साथ लॉन्ग टर्म में जाना है तो हमें इसके अगले फाइनेंशियल रिजल्ट्स वगैरह देखने चाहिए, जिससे क्या है कि हम सेफली इस कंपनी के साथ आगे जा सकते हैं। तो दोस्तों फाइनेंशियल देखें तो थोड़ा बहुत इसका नेगेटिव पॉइंट हो जाता है। और दोस्तों जो ये आईपीओ लाई है, मतलब जो इसका इश्यू साइज है, जिसके अंदर फ्रेश इश्यू शेयर काफी कम है, ये भी इसके लिए एक नेगेटिव पॉइंट है। अगर ये कंपनी अभी लॉस मेकिंग है तो मुझे लगता है थोड़े बहुत फ्रेश इश्यू ज्यादा लाने चाहिए थे और कंपनी की ग्रोथ के ऊपर ये पैसे ज्यादा खर्च करने चाहिए थे, पर इसके अंदर ऑफर फॉर सेल थोड़ा ज्यादा है, ये भी थोड़ा इसके लिए एक नेगेटिव पॉइंट हो जाता है। और दोस्तों इसके एक पॉजिटिव पॉइंट की बात करें तो इसको सब्सक्रिप्शन बहुत ही बंपर मिला है, 135 गुना के आसपास इसको सब्सक्रिप्शन मिला है टोटल, और इसके अलावा इसकी ग्रे मार्केट के अंदर डिमांड काफी जबरदस्त है। तो दोस्तों ये तो हुई कंपनी की बात, अब हमें लिस्टिंग डे वाले दिन क्या स्ट्रेटेजी अपनानी चाहिए, मतलब अगर हमें इतना लिस्टिंग गेन्स मिल जाता है, लगभग 9,000 से लेकर 11,000 रुपए के बीच में लिस्टिंग गेन्स की उम्मीद कर सकते हैं, तो इतना अगर हमें लिस्टिंग गेन्स देखने को मिल जाता है तो हमें क्या करना चाहिए। तो दोस्तों मुझे लगता है जो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर्स है, मतलब जिन्होंने सिर्फ लिस्टिंग गेन्स के लिए अप्लाई किया है, तो उन लोगों को पहले ही दिन प्रॉफिट बुकिंग करनी चाहिए, और मुझे लगता है प्रॉफिट बुकिंग करने के बाद भी थोड़े बहुत शेयर उनको रख लेने चाहिए, मतलब 4,000 से 5,000 रुपए के शेयर जो है वो अपने डीमैट अकाउंट के अंदर रख लेने चाहिए, जिससे क्या है कि उनको नुकसान नहीं होगा। अगर शेयर 2-3 दिन और चढ़ता है तो उसके अंदर क्या होगा कि उनके पास कुछ शेयर होंगे तो उसका भी वो फायदा उठा सकते हैं, और जो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर्स हैं उनके लिए ये भी फायदा होगा कि वो अगर प्रॉफिट बुकिंग करेंगे पहले ही दिन तो उनके क्या है, अगर शेयर गिरता भी है तो उनके नुकसान नहीं होगा। और दोस्तों अगर आपका विजन इस शेयर के अंदर लॉन्ग टर्म के लिए है तो मुझे लगता है आपको अपना बेसिक अमाउंट तो पहले ही दिन निकाल लेना चाहिए, और बाकी जो प्रॉफिट वाले शेयर हैं उसको आप होल्डिंग के लिए रख सकते हैं, क्योंकि दोस्तों अगर हम बेसिक अमाउंट निकाल लेते हैं इससे क्या है कि हमारा रिस्क काफी कम हो जाता है, और उसके बाद अगर शेयर गिरता है तो भी हमें नुकसान नहीं होता क्योंकि हमारा बेसिक अमाउंट निकाल चुके हैं हम। और दोस्तों अगर शेयर बढ़ता भी है तो हम उस बढ़े हुए शेयर का फायदा उठा सकते हैं। तो दोस्तों अगर आपका लॉन्ग टर्म का विजन है तो भी मुझे लगता है आपको अपना बेसिक अमाउंट निकाल लेना चाहिए।
और दोस्तों हो सकता है अभी जो मार्केट नेगेटिव चल रहा है 2-3 दिन से, उसका भी इसकी लिस्टिंग पर थोड़ा बहुत असर देखने को मिल सकता है। मतलब एक बार लिस्टिंग अच्छी होने के बाद मुझे लगता है थोड़ा बहुत सेलिंग प्रेशर हमें इसमें देखने को मिल सकता है, जिसके कारण क्या है कि एक बार अच्छी लिस्टिंग के बाद थोड़ी बहुत गिरावट हमें देखने को मिल सकती है। दोस्तों मुझे लगता है कि ये शेयर ज्यादा नहीं गिरेगा क्योंकि इसके अंदर QIB पोर्शन ज्यादा है, मतलब 75% का QIB पोर्शन है और जो रिटेल पोर्शन है 10% का और NIA पोर्शन है 15% का। तो उस हिसाब से QIB पोर्शन ज्यादा है, इसके कारण क्या है कि एक बार सेलिंग प्रेशर भी आ गया तो फिर भी ये संभल जाएगा शेयर, तो ज्यादा हमें इसमें गिरावट देखने को नहीं मिलेगी। और दोस्तों इसके पीयर कंपटीटर्स की बात करें तो ये कंपनी भी अभी लॉस मेकिंग है और पेज इंडस्ट्रीज को छोड़ के बाकी सारी जो कंपनियां हैं इसके जैसी वो अभी लॉस मेकिंग कंपनियां हैं क्योंकि सबके बिजनेस पर कोविड का इफेक्ट तो पड़ा ही है। और दोस्तों इस आईपीओ पर मेरी पर्सनल स्ट्रेटेजी क्या रहेगी, तो दोस्तों ये कंपनी मुझे ठीक ठाक ही लग रही है, ज्यादा कोई खास कंपनी नजर नहीं आ रही है। तो दोस्तों इस आईपीओ के अंदर मैं क्या करूंगा कि धीरे धीरे प्रॉफिट बुकिंग ही करूंगा, मतलब धीरे धीरे करके इस शेयर को सेल कर दूंगा। सबसे पहले तो इस शेयर पर मेरा टारगेट यही रहेगा कि मैं अपना बेसिक अमाउंट निकाल लूंगा, उसके बाद धीरे धीरे करके देखूंगा कि अगर और शेयर चढ़ता है तो धीरे धीरे करके मैं प्रॉफिट बुकिंग करना शुरू कर दूंगा। तो दोस्तों ये वीडियो देखने के बाद मुझे लगता है आपकी स्ट्रेटेजी काफी हद तक क्लियर हो गई होगी, आपका कंफ्यूजन काफी हद तक क्लियर हो गया होगा कि अब आगे आपको क्या स्ट्रेटेजी अपनानी है। तो दोस्तों अगर आपका कंफ्यूजन क्लियर हुआ है तो वीडियो को लाइक जरूर करें और दोस्तों मुझे कमेंट करके जरूर बताएं कि आप लोग क्या स्ट्रेटेजी अपनाने वाले हैं, मतलब उसको लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करेंगे या लिस्टिंग गेंस लेकर एग्जिट हो जाएंगे या धीरे धीरे करके प्रॉफिट बुकिंग करेंगे, मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो के अंदर।